हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में व्यस्त भी होंगे। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैं और अम्मू और ईशु जा रहे हैं, हम अपनी बुआ के साथ जा रहे हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी। तो चलिए आपको सीधा लेके चलती हूँ। ये मफलर इस ड्रेस के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला इसके साथ कॉन्ट्रास्ट। ये मेरा आया था, ये मेरा मफलर है, इसने लिया है। मेरी ड्रेस के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। चोर कहीं की, चुप कर चल, मेरा मफलर है वो। बिल्कुल भी नहीं, अब मेरा हो गया है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बुआ और मामा के साथ। तो हमें लेने बड़ी बुआ और मामा आए हुए हैं, और आज अम्मू का ड्राइविंग लेसन भी एक तरीके से चल रहा है। मामा उसे सिखा रहे हैं भाई कैसे कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, तो उसकी भी क्लास चल रही है। ये है मेरी बड़ी बुआ, और इससे तो आप मिलते ही रहते हो मेरे हर व्लॉग में मोस्टली, ईशु। तो हम टांडा से निकल चुके हैं, और ये आपका हाईवे 309 है, यानी नेशनल हाईवे जो है हमारा। और अब हम रामनगर पहुंच चुके हैं। मेरे घर से रामनगर तकरीबन 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये जगह पड़ती है जहाँ हम जाने वाले हैं, वो 15 से 16 किलोमीटर है। तो आप ये ले सकते हो कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ मेरे घर से वो 20 या 21 किलोमीटर की दूरी पर है। रामनगर पहुँचने का नियरेस्ट सबसे अगर मैं मार्ग बोलूँ तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और सेकेंड थिंग आपका बस स्टॉप, यानी कि जो बेसिकली रोडवेज का होता है। और आप अपने ओन व्हीकल से भी यहाँ जा सकते हो, या फिर आप ऑटो ले सकते हो, रिक्शाज ले सकते हो इस जगह को जाने के लिए। इस जगह से पहले आपके दो ऑलरेडी स्टॉप पड़ते हैं, एक पड़ता है रिंगौड़ा, और रिंगौड़ा में एक वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी है जिसका व्लॉग मैंने आपको दिखाया था, और जिसका आई बटन पर भी आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। और वहीं पर कुल्लड़ चाय का भी मैंने व्लॉग बनाया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, और जो भी उसके आसपास के एरियाज के व्लॉग हैं। तो अब हम कॉर्बेट क्षेत्र में घुस चुके हैं, यानी कि अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो उस एरिया में हम इंसर्ट कर चुके हैं। यहाँ से आपके जो कॉर्बेट के गेट होते हैं, जो बुकिंग होती है अंदर वगैरह जाने के लिए गेट्स वगैरह की, वो यहाँ से होती है। यहाँ पे आपको अलग अलग जितने भी स्टेशन काइंड ऑफ शॉप्स दिख रही हैं या जो भी है, तो यहाँ से उनका पास बनता है, और भी मतलब पास आपका दूसरी तरफ से ही बनता है, उसका भी मैं व्लॉग दिखाऊंगी। तो यहाँ से गेट्स अलग अलग स्टार्ट होते हैं, और यही रास्ता आपके गढ़वाल के लिए, कुमाऊं के लिए जो बसेस जाती हैं रामनगर से, इसी रास्ते से होते हुए जाती है। तो रिंगौड़ा के बाद जो जगह पड़ती है वो पड़ती है हमारी ढिकुली, और ढिकुली से तो भाई अपना पुराना रिश्ता है, हमारा स्कूल था यहाँ पे, बेसिकली अब स्कूल नहीं रहा, बट मैं स्टिल आपको अपने स्कूल के कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैं बात करूँ तो ये रहा हमारा स्कूल का एरिया जो आने वाला है, जो कन्वर्ट हो चुका है डायनास विला में, सिर्फ भाई हमारा गेट बचा है, बाकी हमारा स्कूल पूरा एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अलग अलग दो डिफरेंट, डाइनर विला और आयरिश लाइट। जल्दी ही मैं यहाँ का भी व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, और अपने स्कूल्स की भी जो जुड़ी हुई यादें मेरे पास बची हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं, रास्ते में यहाँ पे आपको रिवर राफ्टिंग भी पड़ता है, यानी आजकल तो बंद है, और यहीं पे एक पुराना शिव मंदिर भी है इस तरफ लेफ्ट साइड, अगर आप देखोगे अभी पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ से उसके लिए भी रास्ता जाता है। वो सिर्फ बेसिकली शिवरात्रि पे ज़्यादा खुलता है, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है तो हर कोई ईजिली एक्सेस नहीं करता है वहाँ जाने का, जंगली जानवर होते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर, और हम उसके तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। यस, आप थोड़ा सा समझ गए होंगे जिसने यहाँ का लोकल होगा। अरे आजकल तो बड़ी चेकिंग भी चल रही है इलेक्शन की वजह से, 14/5 को इलेक्शन है, ज़रूर जाइएगा वोट देने के लिए जो भी एलिजिबल है। तो हम जा रहे हैं आज गिरिजा देवी, यानी कि हम जा रहे हैं गर्जिया। तो ये जगह मैंने ऑलरेडी आपको लोकेशन सब शेयर कर दी है, रामनगर में पड़ती है जो नैनीताल ज़िले में आता है, और ये है वहाँ का प्रवेश द्वार। और आज के वीडियो में मैं आपको गर्जिया से जुड़ी भी बहुत सारी कहानियाँ भी बताने वाली हूँ, कि इसका इस मंदिर के पीछे का नाम का रहस्य क्या है, क्या इसकी कहानी थी। तो चलिए पहले फटाफट से हम उस जगह पहुँच जाते हैं। यहाँ पे ऑटो स्टैंड वगैरह होते हैं, यानी कि आप अगर अपने ओन व्हीकल से नहीं आए तो आप यहाँ से ऑटोज़ वगैरह ले सकते हो रामनगर के लिए, या फिर जिधर भी आपके इजीली एक्सेस होता है जाने का। और ये है इसकी पार्किंग, यानी कि जो आपको ये हम इंसर्ट कर रहे हैं ये इसकी पार्किंग है। पहले तो यहाँ पे पार्किंग चार्जेस थे, पर तकरीबन 4 साल से ये पूरी पार्किंग फ्री कर दी गई है, इसमें कोई भी पैसा नहीं है। तो फटाफट से पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं मंदिर की तरफ।
तो गाड़ी पार्क कर ली है हमने, अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ये है मेरी बड़ी बुआ, इनसे तो अभी मैंने आपको मिलाया ही था, और वो है मेरे मामा। तो यहाँ से मतलब वैसे तो रास्ता वहीं से भी था, बट यहाँ से हमने पार्क करा तो यहाँ से हमें इजी एक्सेस था निकलने के लिए। और यहीं से बुआ ने प्रसाद वगैरह भी ले लिया था माता रानी के लिए, जो भी प्रसाद चढ़ता है, चुनरी हो गई और आपका नारियल हो गया कच्चा गोला यानी। तो इसी शॉप से हमने सारा सामान ले लिया था। तो इधर बहुत सारी शॉप्स है जहाँ से आप सामान, माता का प्रसाद हो गया और ये घंटियाँ हो गई और या जो भी आपको सामान है, सिंदूर वगैरह, ये सब आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। वो तो ज़रा आज भीड़ कम थी, वरना भीड़ काफ़ी होती है। कोविड के बाद से थोड़ी भीड़ कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी जो फेस्टिवल्स आते हैं, संक्रांत आता है, बसंत पंचमी, उसमें भी काफ़ी भीड़ होती है। आप मकर संक्रांति ले लीजिए। तो यहाँ से रास्ता पड़ता है यहीं पर आगे, होटल्स टाइप के भी है, मतलब खाने के लिए भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं माता रानी के मंदिर में, और मैं आप सब लोग के लिए भी प्रे करूँगी कि आप सब लोग के स्वास्थ्य के लिए सब कुछ अच्छा रहे, आप लोग की लाइफ अच्छी से रहे। और यार बचपन में ना मुझे बहुत शौक था ये मालाएँ, और मतलब होता ना क्रेज़ कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था। और स्पेशली होली प्लेसेस पे विज़िट करना इज़ वन ऑफ द माय बेस्ट, अगर मैं बोलूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन जगह जाके। तो अब हम प्रवेश द्वार से भीतर आ चुके हैं, और ये यहाँ पे जो आपको प्लेस दिख रही है, यहाँ पे वो एक जो रूम्स दिख रहे हैं उस तरफ, ये येलो उसमें बोल्ड में, ये एक हॉल टाइप का भी है, और इधर ही आपको वॉशरूम भी अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे पेड़ के नीचे दरअसल जो यहाँ पे राख होती है वो भी काफ़ी पवित्र मानी जाती है, अगर मैं एक बात करूँ। और इस तरफ ये जो मंदिर है, यहाँ ज़्यादातर शादियाँ होती हैं, हवन कुंड होता है, हवन करवाते हैं लोग, और ये इसका फील्ड पूरा एरिया है जो मैं अगर बोलूँ तो। यहाँ पे फिलहाल काम चल रहा है कोविड के बाद, और अभी बीच में जो बाढ़ आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैंने उसके व्लॉग्स भी डाले थे, तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पे दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन पे भी दे रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में, अगर मैं बोलूँ तो हम गिरजा माता के वहाँ पहुँच चुके हैं। अब मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी कहूँगी, थोड़ी सी डिटेल शेयर करना चाहती हूँ कि माँ गिरिजा का मंदिर कैसे बना। कहा जाता है कि रामनगर कथ्यूरी शासकों द्वारा सन 1840 में खोजा गया, और उस समय भी ये मंदिर 150 वर्ष तक पुराना है। ये जो नदी आपको दिख रही है ये कोसी नदी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा देवी यहाँ निवास करती है, जिन्हें हम माता पार्वती का एक दूसरा रूप कह सकते हैं। 1900 की बात करें तो उस समय गिरिजा देवी का अस्तित्व ऐसा था ही नहीं, इतना अगर हम बोले कि घना था ये एरिया, जहाँ बिल्कुल जंगल बहुत ज़्यादा थे और जहाँ शेर दिन भर गश्त लगाए रखते थे। सन 1940 में बोला जाता है कि रानीखेत के एक पंडित थे रामकृष्ण पांडे, जिनको यहाँ का पहला पंडित बोला जाता है, और 1950 में श्री 108 महादेव गिरी बाबा, यानी जो एक तांत्रिक भी थे और एक नाग बाबा भी थे, और अगर हम उन्हें बोला जाए उनके बारे में, और हमें जब पता चलता है कि वो जापान में एक फौजी सिपाही भी थे, वे यहाँ अपने शिष्य के साथ आते हैं और यहीं वो बसने का निर्णय लेते हैं। तो उनके शिष्य द्वारा गिरिजा देवी की उपासना की जाती है, और उसके बाद जो महादेव गिरी बाबा है वो राजस्थान से 3 मूर्तियाँ लेके आते हैं, ग्रेनाइट की, भैरव, गणेश और 3 अन्य देवियों की। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो मंत्रों के साथ मूर्तियाँ स्थापित करते हैं, तो जितनी बार वो मूर्तियाँ स्थापित करते उतनी बार शेर आके गर्जना दे देता। तो जब उन्होंने देखा कि ये संकेत दे रहे हैं, तो उन्होंने उस गर्जना के नाम से भी देवी का नाम गर्जिया रखा। गर्जिया टीले को, जो आप टीला देखते हो, इसकी फीट पहले कुछ और फीट थी, अब इसकी थोड़ी जो फीट हाइट हो गई है वो कम हो गई है। 1960 में कोसी ने काफ़ी विकराल रूप लिया, जिस समय जितनी भी वहाँ प्राचीन मूर्तियाँ थीं वो सारी बह गई। गर्जिया के पीछे अनेक कहानियाँ हैं, एक कहानी उनमें से एक और है कि माता जो गर्जिया थी वो अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित गोल्फ कोर्स जो है उसके पास एक प्राचीन काल में एक उपट्टागढ़ नाम का एक स्थान था, और वहाँ माता देवी जो गर्जिया है हमारी, वो प्राचीन काल में उपट्टा के नाम से जानी जाती थी, वहीं निवास करती थी। लेकिन उस स्थान पर इतनी गंदगी हुई कि होने के कारण माँ ने वहाँ से क्रोधित होकर वहाँ से अपने टीले समेत उस जगह से स्थित होकर वहाँ से हट के पानी के साथ वह बह चली। उस समय रामनगर की अगर हम बात करें, जिसे विराट नगर भी कहा जाता था, वहाँ पे भैरव देवता यानी जो बटुक भैरव देवता है, उन्होंने उनसे क्या कहा था, उन्होंने उनसे इस प्रकार कुछ कहा कि ठहरो बहना, यानी कि अर्थात ठहरो बहन, रुक जाओ, मेरे साथ ही यहाँ निवास करो।
सन 1960 की बाढ़ के बाद इधर कोई मूर्ति नहीं थी। फिर सन 1967 में एक पूर्णचंद नामक एक व्यक्ति थे जिन्हें माता का सपना आया और उन्हें बताया कि दरअसल मूर्ति कहाँ है। रानीखेत में कालिंका मंदिर के पास उपट्टा गाड़ के पास जंगल में एक पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण की ग्रेनाइट की मूर्ति थी। उसके बाद वहाँ खुदाई की गई, स्थापना हुई और लेक मूर्तियाँ निकली, लेकिन स्थापना करने से पहले उन मूर्तियों को आश्रम में रखा गया था और मूर्तियाँ वहाँ से चोरी हो गई। लोगों का विश्वास माता के ऊपर से एक तरीके से हटता जा रहा था, लेकिन सन 1972 में मतलब तकरीबन मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ही एक पुलिया का निर्माण हो रहा था जहां वो खुदाई के दौरान वो सारी मूर्तियां मिली और उसके बाद विधि विधान से उन मूर्तियों को स्थापित किया गया। सन 1972 में पुरातत्व विभाग द्वारा उसका पंजीकरण भी कराया गया और उन्होंने बताया कि ये मूर्तियाँ तकरीबन 800 से 900 साल पुरानी हैं। मंदिर के टीले की बात करें तो तकरीबन उसकी जो हाइट है वो 100 फीट है और उसी के नीचे भगवान शंकर की भी प्राचीन गुफा है। कहा यह भी जाता है कि अगर आप मंदिर में माता रानी के दर्शन करते हैं और अगर आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो भी आपका मंदिर आना एक तरीके से विफल हो जाता है, आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो हमेशा जब भी आप आए तो माता रानी के साथ साथ आप काल भैरव के ज़रूर दर्शन कीजिएगा। मैंने अभी आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाया था, अभी मैं आपको दूसरी साइड का भी व्यू दिखाऊंगी, यानी कि माता के बाद अगर भैरवनाथ मंदिर के दर्शन ना पूरे करो तो वो अधूरे माने जाते हैं एक तरीके से। तो मैं अभी आपको वहाँ का भी दर्शन कराऊंगी और आप देख सकते हो मेरे बैक साइड एरिया यानी कि जो ये वाला एरिया था पहले यहाँ काफी पानी आता था, मतलब ये वाला एरिया फुल ऑफ पानी का रहता था, लेकिन अभी पिछले बार कुछ टाइम पहले ही बाढ़ आई थी, आपने रिसेंटली पढ़ा था उत्तराखंड में काफी ज्यादा हुआ था, तो उस वजह से ये वाला लैंड पूरा कन्वर्ट हो चुका है एक तरीके से, मतलब पानी तो पूरा गायब ही हो गया अगर हम बोले तो। और आप पीछे देख सकते हो मेरे साइड पूरा जो लैंड है, ये आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, ये पूरा एक तरीके से कन्वर्ट हो गया, पूरी मिट्टी आप देखोगे ना पूरा, मतलब पूरा रेता का रेता हो गया भाई। मतलब पहले इस तरफ पूरा काफ़ी पानी होता था, मतलब मुझे घर से आए हुए अप्रॉक्स 3 से 3.5 साल हो गए, कोविड की वजह से मैं नहीं आ पाई थी फिर अब, लेकिन अब आप देखो कि मैं आपको बैक साइड का भी दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इधर पूरे एरिया में पहले पानी भरा रहता था और अब पानी आता है कि उस एरिया के ऑपोजिट में जाके, या फिर आप देख सकते हो इस तरफ, और ये है भैरवनाथ वाला मंदिर पूरा आपको दिख रहा होगा ये पूरा, और ये है माता रानी का मंदिर। बीच में अभी बाढ़ की वजह से जब काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी तो ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा होगा नीचे अभी अलग अलग उस पार्ट में है, ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है अगर मैं बात करूँ तो, आप देख सकते हैं कि कितने काफ़ी ज़्यादा में। और जब बाढ़ आई थी तो ये आपको जो पुल दिख रहा होगा जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, इसकी ये दोनों साइड की सीढ़ियाँ, मतलब ये वाली और ये वाली सीढ़ियाँ पूरी टूट चुकी थी, अभी नई बनी है और पानी इस लेवल के ऊपर तक आया हुआ था। मैंने वो वीडियो भी शेयर करा, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी और ये मुझे झटरपटर सी चीज़ दिखी तो मतलब मुँह में तो पानी आ गया। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पसंद है या नहीं। तो चलो फटाफट से पहले अपना बनवा लेते हैं। तो बुआ भी यहाँ पे से प्रसाद ले रही है शनिदेव के लिए और साथ साथ में बटुक भैरव के लिए। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि बटुक भैरव के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो पढ़ते हैं उस तरफ, यानी कि उस तरफ उनका मंदिर है, वहाँ हम जाएंगे। और ये प्रसाद मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उस तरफ, और यहाँ पे आपको जहाँ पे बोट भी लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी गहरा पानी है और यहाँ पे मछलियाँ भी काफ़ी सारी थी, तो हमने उसको उनको भी भोजन दिया था, यानी कि उनको भी थोड़ा सा दाना डाला था भाई, थोड़ी सी अपनी तरफ से कुछ हो सकता है अच्छा तो आप ज़रूर कीजिएगा। बड़ी होगी गहरे पानी में, वो देखो वहाँ वहाँ ऊपर ही महल है।
हाल बात खा ले लो बेटा, आंटी खा ले अब तो आया हम। और यहीं पे भंडारे का प्रसाद भी हमने ग्रहण किया था। तो माँ गिरिजा के दर्शन भी पूरे हो चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर प्रे करूँगी कि आप लोगों की भी सारी विशेष पूरी हो, आप लोग अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, सेफ रहे। तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और आजकल का जो मैं समय बोलूँगी आजकल बहुत सही हो रहा है, आप लोग आइए दर्शन कीजिए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। लेकिन भीड़ आने के साथ या कहीं भी जाने के साथ आप अपने कोविड नियमों का भी ज़रूर पालन कीजिए, ध्यान रखिए कोविड अभी गया नहीं है। और तो आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। तो चलिए पहले, यार बहुत ज़ोर से भूख लग रही है तो हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं। ये बुआ है और ये बुआ खाल है। सो अभी हम एक जगह पे रुके हुए हैं और यहाँ से आप देख सकते हो काशीपुर अराउंड 40 किलोमीटर है और रामनगर 13 किलोमीटर है और यहीं के एक बैंड के बाद सीधा आपका गर्जिया लग जाता है। और अब हम इसके बाद जाएंगे खाने के लिए, तो चलो यार सीधा पहले खाने के लिए चलते, बहुत भूख लगी है। सो लंच के लिए हमने चूज़ किया है विलेज वाटिका। यहाँ का मुझे दरअसल खाना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्ट है। और विलेज वाटिका का रिव्यू और विजिट टूर मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो आपको लिंक पे और ऊपर आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से भी देख के पूरा व्यू यहाँ का कैसा है और ये कहाँ पे है पूरी डिटेल उसमें देख सकते हैं। तो चलो यार फिलहाल फटाफट से, भूख लग रही है, मतलब उसके बाद बात करते हैं। तो ये था आज के व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे मेरा व्लॉग, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन पे मेरे लिंक दिए हैं, वहाँ से भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।